तो दोस्तों आज हम लोग BGMI टेस्ट करने वाले हैं एंड्रॉयड 13 पर और ओप्पो रेनो 8 पर। और ये जो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इस फ़ोन पर, ये एंड्रॉयड 13 के अपडेट के बाद हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। और हर BGMI प्लेयर ये चाहता है कि उसका फ़ोन हैंग ना हो, लैग ना हो और बिल्कुल स्मूथ 60 FPS चले। तो जो लोग इस फ़ोन को लेना चाहते हो वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखना लास्ट तक और आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो देर नहीं करते हैं, अब करते हैं अपने गेम को ओपन और करते हैं टेस्ट को स्टार्ट। तो सबसे पहले सेटिंग देख लेते हैं, ग्राफिक्स देख लेते हैं किन ग्राफिक्स में खेलने वाला हूँ। तो चलते हैं ग्राफिक में, ये अभी सेट है HDR अल्ट्रा पे, इसको हम लोग करने वाले हैं स्मूथ एक्सट्रीम पर, क्योंकि इसी पर 60 FPS कॉन्स्टेंट मिलता है और सारे बंदे इसी पे खेलना प्रेफर करते हैं। और अब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया, उसके बाद कर लेता हूँ गेम को स्टार्ट। और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अभी अभी गेम को इंस्टॉल किया है, तो मेरे गेम प्ले को जज बिल्कुल ना करना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में खेल रहा हूँ और मैं गेम वैसे खेलता नहीं हूँ, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने गेम को दोबारा से इंस्टॉल किया। तो अभी देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। सबसे पहले तो भाई मैं टपा टप दूंगा सबके हेड पे। तो सबसे पहला ये रहा, मैंने इसको दिया और इसके बाद जो बंदा आएगा सबको मैं मारूंगा। और साथ में आप गेम भी देखो, उसके बाद ये भी चेक करेंगे कि ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करेगा। वैसे आप कितने फिंगर्स खेलते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, वैसे मेरा 2 फिंगर है। और देखो ये एक बंदा, इसको भी, ये बंदा क्या है, ये कैरेक्टर, इसको मैंने गिरा दिया। और इसके बाद मैं एक जॉनी वाला नेड करने वाला हूं, तो आप देखोगे नेड कहां से गया ये देखो। उसके बाद पता नहीं कौन गिरेगा नहीं गिरेगा मुझे पता, लेकिन देखते हैं कोई तो होगा यहाँ पे। तो ये भाई साहब आ गए, उनको भी लंबा कर दिया। और मैं अपना बताऊँ, मुझे नेड करना बहुत पसंद है TDM में, और वैसे भी गेम में तो मैं TDM वगैरह में गेम वगैरह बहुत सारे नेड रखता हूँ। तो ये देखो दो बंदे मेरे नेड से ये गए, दोनों गए, समझ रहे, दोनों गए। बाकी भाई साहब गेम प्ले के साथ आप हैंड कैम भी देख सकते हो, ऊपर मैंने आपके लिए इसको भी शूट किया है, अलग से हैंड कैम मैंने शूट किया आपके लिए। तो TDM खत्म हो गया और हो गए हैं टाइम, हो गया 5 मिनट गेम खेलते हो गए। अब देखते हैं कि टेम्परेचर कितना गया, क्योंकि 5 मिनट पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन था। तो अब देखते हैं कितना टेम्परेचर है। तो ये मैंने ऑन किया अपना ऐप CPU Z, और बैटरी में आने के बाद मुझको अगर मिल रहा है तो यहाँ देख सकते हो आप 34 डिग्री, 34.4, मतलब कि 34.5 के बीच में ही है। और इतना टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, अगर 40 प्लस होता है तो जाके फ़ोन में लैग, हैंग ये सब होना स्टार्ट होता है। तो इस हिसाब से 5 मिनट में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और 34 टेम्परेचर गया है, तो ये कोई ज़्यादा है नहीं, ये इस हिसाब से काफ़ी सही है। और एक TDM हम लोग और खेलने वाले हैं 5 मिनट का, और देखेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑन करके देखेंगे कि अब की हमारा कैसा परफॉर्म करेगा। वैसे गाइस ये हैंग लैग पता है क्यों होता है, अगर आप रिकॉर्डिंग ऑन करते हो टेम्परेचर बढ़ता है फ़ोन का तब ये हैंग होता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा मुझे पता है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद उनका फ़ोन ऐसा हैंग होता है कि मैं क्या बोलूँ, अब मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने भी रिकॉर्डिंग ऑन किया, दूसरा गेम TDM अपना स्टार्ट हो गया, फिर से मैंने नेड किया। और अब चलते हैं फिर से देखते हैं सबका हेड किधर है, और हेड पर ही देंगे तो अभी कोई ना कोई तो आने वाला है। और मेरे टीममेट भाई फुल फॉर्म में नेड फेंक रहे हैं, अभी सबसे पहले मैं देता हूँ हेड। तो सबसे पहले बंदे का हेड गया आपने देखा, और इसका भी हेड गया, तो ये भी देखो। उसके बाद एक आध बंदे को भी और लपेटूंगा आगे, तो अभी आगे चलते हैं देखते हैं कोई ना कोई तो इधर भी मिलेगा। तो भाई साहब ये देखो ये भी आ गए, और ये भाई ये भी लपेट गए इसी लाइन में। अगला कैरेक्टर इधर, इसको मैं जिगल दे के गिराऊंगा, तो मैंने जिगल पे हेड दे दिया, और वो अभी कोई ना कोई तो और आएगा। और सामने वाले काफ़ी पैनिक है, आप देख सकते हो यहाँ पे खड़े ऑफलाइन ही हो गए भाई, और कोई है क्या इधर, कोई है क्या, तो अभी तो मुझे कोई ना, हाँ वो दिखाई, एक सामने से मेरे आ रहा है, इसको पता नहीं देखो क्या होता है। तो एक सर ये आया, वो भी गिर गए, किसी और मेरे टीममेट ने दे दिया उसको। और दोस्तों एक टिप देता हूँ आपको साथ में, आपको जब भी अपना एम रखना है ना तो अपने सामने वाले बंदे को ऊपर रखना है, मतलब देख रहे हो हेड पे हेड जा रहा है कोई भी बंदा बॉडी से, बहुत कम होता है जब बॉडी के चांस होता है, वैसे हेड पे हेड लग रही है गोली। और जो बंदे होते हैं ना सब अच्छा खेलते हैं, लेकिन बस यही होता है उनके साथ डिवाइस उनका साथ नहीं देता है, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी मैंने गेम छोड़ दिया है। लेकिन आपको दिखाने के लिए, आपको चेक करने के लिए ये कैसा परफॉर्म करेगा, इसलिए मैंने ये गेम को इंस्टॉल किया और आपके साथ तुरंत मैं गेम खेल के आपको दिखा रहा हूँ। तो TPP लेके, और भाई ये आया। तो देखो कभी कभी TPP लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर TPP आप नहीं लोगे तो आप हार सकते हो। बाकी दोस्तों आपको जब गेम खेलना है ना तो बस अपने एम पर ही ध्यान देना होगा, अपने एम को ही ध्यान देना होगा, और बस फोन लैग हैंग ना हो तो कोई भी प्रो बन सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस यही दिक्कत होती है कि उनका फोन साथ नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत काफी बंदों ने देखा उनका फोन बहुत लो एंड डिवाइस है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और अगर आपको ये वॉइस ओवर अच्छा लगा हो तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि मैंने सही वीडियो बनाया। बाकी गेम हो गया है अपना कंप्लीट, और देखते हैं कि अब अपने गेम का टेम्परेचर कितना है। मैं रिकॉर्डिंग को अभी ऑन है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये 5 मिनट हो चुके हैं, और इसको मैं कर देता हूँ ऑफ, और उसके बाद देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना गया। और अभी चलते हैं अपने CPU Z ऐप में, आप भी डाउनलोड कर लो, काफी काम आने वाला है। तो चलते हैं बैटरी वाले सेक्शन में और देखते हैं। तो आप देख लो 36 डिग्री सेल्सियस का इसमें भी टेम्परेचर है, और इससे पहले जो था 34.4 था,
तो अभी आप सोच सकते हो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसने निकाल के दिया है, और रिकॉर्डिंग भी अभी भी ऑन है, आप देख सकते हो कि रिकॉर्डिंग ऑन चल रही है, फिर भी इसने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है टेम्परेचर को, और अगर आप खेलते हो तो आपका ये काफ़ी सही से गेम प्ले निकाल के देगा, और मुझे तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, 60 FPS कॉन्स्टेंट ये देता है। और इसी आपको बताऊँ अगर मैं, और अगर आप भी एक फ़ोन लेने वाले हो, सोच रहे हो कौन सा लूँ, तो आप इसको ले सकते हो, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ किया है और इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो जो ऑलराउंडर फ़ोन मुझे लगता है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कॉमेंट करना, लाइक करना, और अगर आप फ़ोन लेना चाहते हो तो आप इसको जाके आराम से ले सकते हो, परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। तो फिर गाइस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।